खूब वोट डालिए, खूब बटन दबाइए, निर्भीकता से बटन वोट कीजिए, मतदान करिए, डरिए मत। सर जिस तरीके से अभी जो हो रहा है कि धर्म के नाम पे धर्म और धर्म की लड़ाई, सर आपका वोट डालने नहीं जा पाना? मैं अब देखता हूँ, कोशिश करूंगा पहुँचने की। अभी आधा घंटा शेष रह गया, लेकिन अभी तक 60% की मतदान हुआ, कई क्षेत्र है जहाँ पे कम मतदान भी है। जी असल में क्या है कि इस बार पहले विधानसभा में वोटर स्लिप के आधार पर ही वोट डलवा लिए गए थे, अब वोटर स्लिप के साथ साथ उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड भी मांगे गए हैं, उससे थोड़ा सा 2-3% का फर्क पड़ा है। काफी सर देखा गया कई जगह मशीनें भी बीच बीच में काफी गड़बड़ होती है, काफी लाइन रही है। जी सर, मतदान केंद्रों का आपने दौरा किया, कैसे थी आपको दिखे सर? इसमें 2-3-4 बातें सामने आई हैं। एक तो यह है कि कुछ बूथ पे 400-600 वोटी हैं, कुछ बूथ पर 1200-1400 है, तो जहां 1200-1400 है वहां लाइन लंबी लगना स्वाभाविक थी। लोग परेशान हुए, गर्मी का मौसम था, सुबह 6 बजे से, अब जैसे गोंदरमऊ में सुबह 6 बजे से लोग पहुंचे थे, 11 बजे तक वो लोग वोट नहीं डाल पाए थे, तो कई लोग वापस चले गए, तो एक वो दिक्कत हुई है। अब दूसरी बात ये हुई है कि पहले इलेक्शन कमीशन जो स्लिप बांटता था उसके आधार पर वोटिंग हो जाता था, अब वो ना होते हुए उन्होंने कहा एक एडिशनल प्रूफ और लाई है, उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ा है। सर आप कितने आश्वस्त हैं? सर मैं तो 101%। सर आप अपना वोट डालने नहीं जा पाए? नहीं जा पाए। हाँ आपको अफसोस है इस बात का? निश्चित तौर पे अफसोस है, अगली बार भोपाल में ही वोट अपना वोट रजिस्टर कराओ।